असलम स्टूडेंट्स सोशल एंटरप्रेन्योरशिप की साइकिल में नेक्स्ट फेज़ या स्टेप एवेलुएशन का है ऑफ कोर्स जब एक्ट आपने अपने प्लान के ऊपर एक्ट कर लिया तो अब उसको अवेलुएट करना ज़रूरी है एवेलुएशन वैसे तो एक ऑन गोइंग प्रोसेस है जो चलता रहता है लेकिन फर्स्ट एफर्ट को पहली दफ़ा एवेलुएट करना जो है वो क्रिटिकल है अपने स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस को समझने के लिए अपने सक्सेस और फेलर को एस्टिमेट करने के लिए और उससे जो स्पेशली सक्सेस की सूरत में जो एनकरेजमेंट जो कॉन्फिडेंस आता है सोशल एंटरप्रेन्योर को उस हवाले से अवेलुएशन बहुत इम्पोर्टेंट है सोशल एंटरप्रेन्योरशिप की एवेलुएशन जो है इट्स अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस उसकी सादा सी वजह तो ये है कि सोशल इम्पेक्ट जो है उसको हमेशा मॉनेटाइज़ नहीं किया जा सकता उस पर डॉलर वैल्यू नहीं रखी जा सकती हम नहीं बता सकते कि लोगों की जिंदगियों में जो फ़र्क आया है उसकी क्या कीमत है या वो कितने रुपयों का है ये एक बड़ी वजह है अवेलुशन के मुश्किल होने की लेकिन उसके अलावा भी कुछ वजूहत हैं फॉर एग्ज़ाम्पल सोशल एंट्रप्रियोर जो है वो सिर्फ अपने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स या अपने इन्वेस्टर्स को ही जवाब दे या अकाउंटेबल नहीं होता क्योंकि वो लोगों के लिए लोगों के साथ काम कर रहा है वो लोगों की जिंदगियों में फ़र्क डालने का दावा करता है तो इस सवाले से वो लोगों को भी जवाब दे है कि उनकी ज़िंदगी में क्या फ़र्क आया क्या चेंज आई एंड विस चेंज व पॉजिटिव व फर नेगेटिव वो मस्बत चेंज थी या कोई मनफी तब्दीली उनकी ज़िंदगी में आई जिसके बारे में किसी ने सोचा ही नहीं था कि यह भी हो सकता है इसी तरह सोशल एंटरप्रेन्योर चूँकि अपने सोशल कैपिटल पर भरोसा करके काम कर रहा है अपने स्टेक होल्डर्स अपना दोस्तों और साथियों का नेटवर्क अपने वॉल्टियर्स तो वो उनको भी जवाबदेह होता है सो so, अवेलुएशन एक तरह से एक मल्टी डायमेंशनल चीज़ बन जाती है जिसमें ना सिर्फ इन टर्म्स ऑफ कॉस्ट और बेनिफिट उसको देखा जाता है कि कितना ख़र्चा हुआ और कितना फ़ायदा हुआ बल्कि क्या लोग जो इन्वॉल्व हैं जिसमें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है, जिसमें दूसरे स्टेक होल्डर्स हैं जिसमें बेनिफिशरीज़ हैं जिसमें वॉल्टियर्स हैं ये सब लोग जो हैं वो किस हद तक सेटिस्फाइड हैं क्या उनकी जो होप्स और उनके लिए जो गोल्स थे इस सोशल एंटरप्राइज के अंदर वो अचीव हुए या नहीं हुए हुए तो किस हद तक अचीव हुए और अगर नहीं हुए तो कहाँ और क्या कमी रह गई सोशल एंटरप्रेन्योरशिप की जो अवेलुएशन है वो फॉर्मल भी हो सकती है और इनफॉर्मल भी होती है इनफॉर्मली चूंकि हम बार बार ज़िक्र कर रहे हैं कि सोशल एंटरप्रेन्योर्स जो हैं वो सीखते ही अपने प्रोसेस में से गुजर के हैं लर्निंग बाय डूइंग कर रहे होते हैं तो वो साथ साथ अपने आप को अपने काम को अपने डिसीजंस और उनके इफेक्ट्स को अवेलुएट करते हैं कि ये किया तो उससे क्या नतीजा सामने आया और ये नहीं किया तो क्या हुआ तो वो एक तरह से ऑन गोइंग प्रोसेस इन फॉर्मली उनके दिमाग में चल रहा होता है लेकिन अब सोशल एंटरप्रेन्योरशिप की फील्ड इतनी डेवलप हो चुकी है कि देर आर सर्टन टूल्स बाकायदा टूल्स और टेक्निक्स बन गई हैं जिनके ज़रिए से किसी एंटरप्राइज को एवालेट uh, किया जा सकता है उसमें से कुछ टूल्स का जिक्र जो है वो आपके कोर्स मटेरियल में किया गया है जिनमें से एक फाइव डायमेंशन ऑफ इंपैक्ट है जिसमें देखा जाता है कि क्या इंपैक्ट है किस तरह से आया हाउ मच यानी कितना इंपैक्ट आया रिस्क फैक्टर्स क्या थे और उनको किस तरह से कोप किया गया इसी तरह हमने कई दफ़ा पिछले मॉड्यूल्स में रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट या सोशल रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट की बात की है कि जिस तरह बिजनेस में हर रुपया जो खर्च किया जाता है उसके बदले में प्रॉफिट एक जहन में होता है कि इस एक रुपये की इन्वेस्टमेंट पर इतना फ़ायदा होगा इसी तरह सोशल एंटरप्राइज के अंदर जो इन्वेस्टमेंट की जाती है खा वो ह्यूमन एफर्ट की हो वो कैपिटल की हो वो गुड्स या सर्विसेज़ की हो तो उसका एक रिटर्न एक्सपेक्ट किया जाता है जो कि इंसानी ज़िंदगी में बेहतरी की शक्ल में आता है तो उसके लिए ये एक टूल है इसी तरह थेरी ऑफ चेंज के नाम से एक टूल है सिंपल लॉजिक कि अगर ये स्टेप लिया जाए तो उसके नतीजे में क्या चेंज आएगा और उसको चेंज को लाने के लिए क्या इंडिकेटर्स हैं कि ये पहले था बेंच और अब चेंज आ गया है तो क्या चीज़ें जो हैं वो बदल गई हैं और किस तरह से बदल गई हैं और इसके अलावा बेशुमार टूल्स हैं जो सोशल एंटरप्राइज़ की एवेलेशन के लिए डेवलप हो गए हैं हो रहे हैं और ये प्रोसेस जो है वो जारी है थैंक यू